की। वैसे तो ये गाड़ी काफी अच्छी है, बट मुझे कुछ इस इसमें गाड़ी में लगे है और आज मैं सारे पॉइंट करना चाहता हूं। ये का ZXI है, है 12.67 और सेवेंटी के बीच में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप इस मैं ब्रेजा की पर्टिकुलर इस कार की तो वैसे तो ये कार काफी अच्छी है बट इसमें भी कुछ नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगते हैं मी शो यू क्या तो बिकाइज़ अगर मैं कार के एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो पहले हम इसका एक्सटीरियर लुक कवर करते हैं कि एक्सटीरियर में से कार अभी लार्ज देख रहे हो तो ये लुक काफ़ी सब्जेक्टिव है कुछ लोगों को ये पसंद आता है बट कुछ लोगों को नहीं आता है बट इसको मेंटेन करना काफ़ी बड़ा काम है बिकॉज़ इसको काफ़ी टाइम टू टाइम भी आपको इसको पॉलिश करनी पड़ती है बात करूँ यार अगर मैं रियर प्रोफाइल की तो रियर प्रोफाइल से कार बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है रियर प्रोफाइल में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जो नेगेटिव मैं आपको बता सकूं इस कार में सो ओवरऑल एक्सटीरियर में तो ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट्स है नहीं गाई जो मैं आपको बता सकूं बट इंटीरियर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सच में नेगेटिव है इस कार में और वही आज मैं आपका डिस्कस करना चाहता हूँ तो चलिए चलते हैं कार में एंड दिखाता हूँ मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इस कार के तो बात करूँ सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे फील होता है वो है प्लास्टिक uh, क्वालिटी प्लास्टिक क्वालिटी काफी हार्ड प्लास्टिक यूज किया है और आप देख रहे हो अभी ये कार बिल्कुल नहीं है और उसमें भी फिर भी आप देख सकते हो कि कार जो प्लास्टिक यूज किया है वो अभी से डल पड़ने लग गया है तो इसको आपको प्रॉपर पॉलिशिंग करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम इसको मेंटेन करने के लिए तो जो प्लास्टिक क्वालिटी है इसको लेके मेरा इश्यू है कि मुझे नहीं लगता इतनी अप टू द मार्क प्लास्टिक क्वालिटी मारुति ने यूज करी है तो प्लास्टिक क्वालिटी जो मुझे लगता है कि इस कार में एक कंसर्न है और अगर आप इस बात पे, बात पे एग्री करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बट मेरे को लगता है साढ़े बारह लाख रुपए इसको फुल डिजिटल देता तो ये काफी और ज्यादा प्रीमियम लगता है इस कार में तो ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है अगर ये होता तो काफी अच्छा होता इसको फुल डिजिटल मीटर होना चाहिए अदर देन ये इसको सेमी डिजिटल उन्होंने दे रखा है कंसोल जो नेक्स्ट पॉइंट है इस कार में जो मुझे लगता है नेगेटिव वो है ट्रांसमिशन ये फाइव ट्रांसमिशन गेयर बॉक्स के साथ आती है तो कभी कभी मुझे फील होता है कि हाई स्पीड में आपको सिक्स गेयर की कमी जरूर फील होगी इस कार में तो अगर ये कार में अगर इस रेंज में कंपनी इसको सिक्स गेयर ट्रांसमिशन के साथ देती तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है इस कार के लिए और ये मुझे फील होता है कि इस कार का एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें सिक्स गियर ट्रांसमिशन होने चाहिए जैसे आपको नेक्सॉन में मिलते हैं बात करूं इसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की तो वो है आर्म की कमी इस कार में मुझे आर्मरेस्ट की कमी बहुत फील होती है एक अब एक लग्जरी फीचर नहीं एक नेसेसरी फीचर बन गया बिकॉज हाई स्पीड में जब आप क्रूज़ करते हो तो आपको आर्मरेस्ट की कमी ज़रूर फील होगी कार में तो इस आमरेस्ट को इस कार में होना चाहिए और इस रेंज में अगर आप

तो गाइज़ अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको भी लगता है कि इस कार के ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ uh, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको लगता है आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते